नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज का हमारा विषय है हम प्रभात की नई किरण हैं। प्रस्तुत कविता में एक वीर बालक की देश के प्रति निष्ठा, भक्ति व सेवा भाव का वर्णन किया गया है। बच्चों आइए पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित है। इनका जन्म बेगूसराय बिहार की सिमरिया नामक गाँव में 23 सितंबर 1908 को हुआ था और मृत्यु सन 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। बच्चों आइए पढ़ते हैं इस कविता को विस्तार से। वीर बालक भारत के महान सपूतों की परंपरा पर चलते हुए देश की रक्षा का प्रण लेता है और कहता है कि वह देश की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार है। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक, हम नवीन भारत के सैनिक। धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं माद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, चाह सभी को देते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, चाह सभी को देते हैं। वीर प्रसु माँ की आँखों के, वीर प्रसु माँ की आँखों के। हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम शकारी विक्रमादित्य हैं, हम शकारी विक्रमादित्य हैं। अरिदल को दलने वाले, हम शकारी विक्रमादित्य हैं। अरिदल को दलने वाले, रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन हम भीम, हम अर्जुन हम भीम। शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो, मगर शत्रु हट करे अगर तो। लहू वक्ष का पीते हैं, हम हैं शिवा प्रताप, हम हैं शिवा प्रताप। रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी वीर बालक की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उनकी प्रशंसा और उनकी गुणों की प्रशंसा करते हैं। कविता में भारत माँ के सपूत वीर बालक अपनी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिनके कारण वे भारत माता के पुत्र होने पर गर्व कर सकते हैं। सुबह की सूर्य किरणों में जो ताजगी होती है वह हमारे अंदर भी है। इसी के बल पर हम सूर्य की किरणों द्वारा अंधेरा दूर करने की भांति भारत में फैले अज्ञान, अंधविश्वास आदि अंधेरे को मिटाने को प्रेरित रहते हैं। भाव यह है कि हमारे कार्यों से भारत का भविष्य उज्जवल होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नया भारत बन रहा है, हम उनके सैनिक हैं। जो धैर्यवान है, बहादुर है, समुद्र की तरह गहरे व स्थिर है, हम अपने प्रण से कभी डगमगा नहीं सकते हैं। जैसे दिन में रोज नया प्रकाश फैलता है, इसी तरह हम भी ज्ञान का नया प्रकाश फैलाने वाले हैं। बच्चों भारत माँ के सपूत होने पर जिन गुणों पर गर्व किया जा सकता है उनका वर्णन करते वीर बालक कहते हैं, भारत का मुकुट जो ऊंचा हिमालय है, उनकी रक्षा करने वाले पहरेदार हम ही हैं। हमारे होते हुए कोई शत्रु हिमालय पर नहीं आ सकता। ऊंचा हिमालय हर तरह के स्वर्ग के समान है। स्वर्ग में जो सुगंध फैली होती है, वैसी शुद्ध वातावरण हिमालय पर भी है। हिमालय पर गहरा प्रहरा देते हुए मानो हम स्वर्ग की सुगंध को प्राप्त कर लेते हैं। हम इस पृथ्वी पर शांति दूत हैं, अर्थात विश्व का शांति का प्रचार और प्रसार करते हैं। पूरे विश्व में शांति दूत हैं, अर्थात विश्व का शांति
प्रचार और प्रसार करते हैं। पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले भारत के सपूत हैं। विश्व का कोई भी देश हमारे लिए मित्र या शत्रु नहीं है। जहाँ भी शांति की आवश्यकता है, वही हमारे प्रेरक संदेश काम आते हैं। दुनिया भर को शांति की छाया हमसे मिलती है और हम विश्व शांति की छाया में सारी दुनिया को जीने की प्रेरणा देने वाले हैं। भारत माँ की प्रशंसा करते हुए बहादुर बच्चे कहते हैं कि हमारी भारत माता ऐसी महान माँ है जिसने सदा एक से बढ़कर एक वीर पुत्रों को जन्म दिया है। हमारा इतिहास पराक्रमी पुरुषों की गाथाओं से भरा पड़ा है। हम भी उसी परंपरा में पले हैं। इसी कारण हम वीरों की वह पीढ़ी हैं जो भारत माँ की आंखों से सदा नई ज्योति भरेगी। माँ की आंखों में वीर पुत्रों की माँ कहलाने के गर्व की चमक हम कभी भी कम नहीं होने देंगे। हमारे देश के गले का हार जो गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं, हम उनके रक्षक हैं। हिंद महासागर भारत माता के चरण पखारता है, उसकी भी हम रक्षा करते हैं। अर्थात समुद्र की सीमाओं से कोई शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। वीर बालक भारत माँ की स्तुति में कहते हैं कि हमारा इतिहास इस सत्य का गवाह है कि भारत माँ ने सदा वीर पुत्रों को जन्म दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी और मेवाड़ के महाराणा प्रताप भी ऐसे ही वीर पुत्र थे। राजस्थान के भारतीय सपूत महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की बराबरी कौन कर सकता है। हम उसी परंपरा की संतान है। हमारे अंदर शिवाजी और महाराणा प्रताप की वीरता अडिग प्रतिज्ञा है। मुगलों की सत्ता के आगे घुटने टेकने से इनकार करके महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया और बड़े से बड़ा संकट सहा। इसी परंपरा में हमें भला घास की रोटियां खानी पड़ी, किंतु किसी अत्याचारी के आगे सिर झुकाकर उसकी दास्ता स्वीकार करना हमें मंजूर नहीं। राष्ट्रीय अभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। आइए एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। प्रभात, सुबह, आलोक, रोशनी, नवल, नई, धीर, धैर्य वाला। बच्चों अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।